देखो, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं मूला लिट्टी, मूला लिट्टी को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, और जो मूला लिट्टी है इनको हम मूलल भी कहते हैं, मूलल। देखो, मूला लिट्टी होती क्या है? द नंबर ऑफ मूल्स, नंबर ऑफ मूल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नोन एज मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। तो देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट खास समझना, ऊपर सॉल्यूट के नंबर आएंगे, मोल्स के जो नंबर है, अपॉन नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका रहेगा किलोग्राम। देखो, हम यहाँ पे लिखे केजी, किलोग्राम। मूल का यूनिट हमें पता है एमओएल, मूल ही रहेगा। सो यहां से हम एक बात निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ मोलालिटी, यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट होगा मूल पर केजी, मूल पर केजी, या आप मूलल भी लिख सकते हो। तो ये इनका यूनिट की बात हो गई। अभी देखो, मोलालिटी का आपको अनदर फॉर्मूला बनाना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था, मोल्स की जगह पे आप मास अपॉन मोलर मास ले लो सॉल्यूट का, तो आपको सेकेंड फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलालिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना। तो ये है मोलालिटी। चलो, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको कोई सम में ऐसा दिया है तो मोलल NaCl सॉल्यूशन, तो इनका मीनिंग क्या होगा? तो मींस दैट टू मोलल NaCl सॉल्यूशन का मतलब होता है टू मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंटिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में NaCl के 2 मोल प्रेजेंट है। तो ये लिख लो, ये है यहाँ पे मोलालिटी। ध्यान से इसको कॉपी कर लो।